समझ लीजिएगा, ये आपके पास क्या बता रहा है, बस आपके सिटी के बारे में बताएगा, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, कि आपका पेपर कहाँ हो रहा होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रदीप कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट टॉपर्स एकेडमी, और आज हम बात करेंगे एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि एनटीए ने रिलीज किया है कल ही 12 तारीख को। ओके, तो इस नोटिस में क्या इन्होंने आपको दिया है, ये बोल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 24 जनवरी से, जो आपका सेशन वन होने वाला है जो कि शुरू हो रहा है अभी 24 जनवरी से, ओके, और सेकेंड शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट 24 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ बी आर्क और बी प्लानिंग का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए। तो इसका मतलब 24th को आपका जेईई मेंस का, मतलब जो कि बी टेक के लिए हैं स्टूडेंट, उनका पेपर नहीं होगा, ठीक है। 25th और 6th के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब उसके बारे में भी कोई नहीं दिया है, तो पेपर नहीं होगा 25th और 6th को। 27, 9, 29, 30th, 31st जनवरी और 1st February 2024, इन डेट्स पे क्या होने वाला है, आपका बी टेक का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो जेईई मेंस हैं, जो स्टूडेंट बी टेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए उनका एग्जाम कब शुरू होगा, 27 से शुरू होगा, ठीक है। 24th को सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है, वो भी सेकेंड शिफ्ट में, जिनके लिए क्या है, बी आर्क और बी प्लानिंग का पेपर उन्होंने फिल किया होगा, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे फिर आगे भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, कि एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर द एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 24 जनवरी 2024 हैज बीन होस्टेड, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ रही है, डाउनलोड एडवांस सिटी इंटीमेशन फॉर बी आर कैन बी प्लानिंग ओनली, ओके। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी अपना सिटी अलॉटमेंट देख सकते हैं कि आपका पेपर कहाँ होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है, ठीक है। वो एडमिट कार्ड नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा, ये आपके पास क्या बता रहा है, बस आपके सिटी के बारे में बताएगा, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, कि आपका पेपर कहाँ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर द एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 27, 9, 30, 31 जनवरी एंड 1st February 2024 विल बी रिलीज्ड। अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि आपके जो एग्जाम 27 के बाद शुरू होने वाले हैं सेशन वन के लिए, कि उसकी सिटी अलॉटमेंट क्या है क्या नहीं है, वो भी आपके पास कुछ टाइम में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ओके। तो सर नेक्स्ट क्या है, फिर से इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि द कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड नहीं है ये, ठीक है, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, ओके। और जो बाकी आपके 27, 29, 30, 31 और 1st February को एग्जाम होगा, उसकी सिटी अलॉटमेंट और उसका आपके पास जो भी आपका एडमिट कार्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो बाद में आपको नोटिस देंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते रहें, इन्होंने लिखा भी है, कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू रेगुलरली चेक दी एनटीए वेबसाइट, ओके। या तो आप एनटीए की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं रेगुलरली, या फिर क्या कर सकते हैं, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप टॉपर्स अकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशंस के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही फिलहाल के लिए। तो जिन बच्चों को 24th को लग रहा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, जो बी बी टेक के लिए हैं, तो वो ध्यान रखें, उनका एग्ज़ाम अब 27 से शुरू हो रहे हैं, 24th को सिर्फ और सिर्फ बी आर और बी प्लानिंग के लिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि सर इसका कुछ बेनिफिट या लॉस, नहीं, बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि थोड़ा और टाइम मिल गया आपको रिविजन का, ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि सर बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं होगी, बोर्ड में भी नहीं होगी, टाइम मिल गया है, रिवाइज करें अपने नोट्स प्रॉपरली और सारी चीज़ें करते रहें जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखें 24th के लिए सिटी अलॉटमेंट आ चुकी है, और वे पेपर किसका होने वाला है सेकंड शिफ्ट में, बी आर और बी प्लानिंग के लिए, बी टेक का शुरू होगा 27 से, ओके। दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय बाय।